हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग तो आई होप आपने मल्टी कैम एडिटिंग को अच्छे से सीखा होगा उसको प्रैक्टिस किया होगा अगर आपके पास फुटेजेस हैं तो आप उसको प्रैक्टिस कीजिए और दूसरी बात हम अभी फ़िलहाल बेसिक ट्यूटोरियल्स पे हैं बेसिक ट्यूटोरियल्स हमारे बहुत जल्दी विद इन टू थ्री चैप्टर्स और ख़त्म हो जाएंगे फिर उसके बाद हम एडवांस ट्यूटोरियल्स पर जाएंगे तो एडवांस जाने के लिए आपको पहले मुझे बताना पड़ेगा कि कौन कितना सीख रहा है मुझे कमेंट्स कीजिए मुझे बताइए किस तरीके से आप सीख रहे हैं क्या आपने प्रैक्टिस किया दूसरा चलिए नेक्स्ट मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरीके से हम आ, अपना नेक्स्ट चीज़ें कर सकते हैं तो आज मैं प्रॉक्सी के बारे में आपको बात करता हूँ प्रॉक्सी बेसिकली क्या होता है आजकल के जो कैमराज हैं वो फोर के से लेकर एट के तक शूट कर सकते हैं दे हैव कैपेबिलिटीज़ टू शूट सो मच हायर रेजोल्यूशन बट वो हायर रेजोल्यूशन पे हम जब अगर एडिट करने आए फॉर एग्जांपल एक वीडियो है जो फ़ोर के पे शूट हुई है सपोज़ कीजिए फाइव डी मार्क फोर से शूट हुआ या किसी भी कैमरा से शूट हुआ है फोर के में शूट हुआ है फाइनल रिजल्ट उसका एम ओ वी फोर के में आया है वो हम एक पी सी या एक मैक में लेंगे ऑब्वियसली हम उसको एडिट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास भी टेक्नोलॉजी एज एन एडिटर्स हमारे पास भी एक एडवांस टेक्नोलॉजी है हमारे पास हम उनको चाहें तो ऐसे भी एडिट कर सकते हैं लैग वीडियो लैग नहीं होगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हम उसको ऐसे रैंडमली एडिट कर सकते हैं बट वैन इट कम्स टू लेयर्स जब 4K के आपके पास 300 300 फाइलें आ गई सपोज़ कीजिए और उन तीन फाइलों को आपको इंपोर्ट करके उसमें से एडिट करना है वहाँ पे आपकी मशीन बैठ सकती है फिर आप एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड ख़रीदोगे वो लगाओगे सो इट्स बेटर कि वो सारी फ़ुटेज़ को आप प्रॉक्सी में कन्वर्ट करो और प्रॉक्सी फाइल्स होती हैं कि जो हाई रेजोल्यूशन फ़ाइल्स होती हैं उसको वन एट टाइम्स उसका रेजोल्यूशन गिरा दिया जाता है उसका फाइल साइज भी कम हो जाता है उसका रिजोल्यूशन uh, भी कम हो जाता है ऑब्वियसली इट्स अ लाइटर फाइल फॉर अ कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड एंड टू एडिटेड नाइसली फिर चाहे तीन सौ फोटेजेज हों चाहे हज़ार फोटेज हों अब अगर एक फ़िल्म की एडिट होती है फिल्म एरी पे शूट होती है रेड पे शूट होती है तो उसकी चा चार चार पाँच पाँच हार्ड ड्राइव्स आती हैं हमारे पास तो वो सारी फ़ाइल्स 8K फ़ाइल्स होती हैं उन सबको हम लोअर रेजोल्यूशन फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं जो कि प्रॉक्सी फ़ाइल्स जिसको हम बोलते हैं तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो एप्पल प्रोरेस फोर टू टू प्रॉक्सी में तो प्रॉक्सी उसका फ़ाइल साइज़ भी कम करता है और इट मेक्स द कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड इट ईज़िल एंड इट टेक्स लेस ऑफ रैम लेस ऑफ़ प्रोसेसर्स एबिलिटी तो प्रोसेसर का बहुत कम यूज़ होता है उसके अंदर रैम का कम यूज़ होता है और आपका ग्राफिक्स कार्ड का कम यूज़ होता है और आप इजीली एडिट कर सकते हो इससे आपकी कंप्यूटर की लाइफ भी इंक्रीज करती है तो प्रोक्सी में एडिट करने के ये भी फायदे होते हैं अगर आप ठीक है अगर आपके पास अच्छी मशीन है कूल मशीन है आप शो ऑफ करना चाहते हो और फोर के बोलते हो मैं तो कर लूँगा एडिट तो आप डाउनलोड करते हो बहुत सारी फ़ाइलें आप 30-40 फाइलें डाउनलोड करते हो फाफट इंपोर्ट करते हो हो जाएगा नो डाउट हो जाएगा कई कई मशीन्स में पॉसिबल है मैक में पॉसिबल है मेरे मैंने जो ये मैकबुक प्रो लिया है नया 16 इंच का इसमें पॉसिबल है इसमें मैंने एक एक्सपेरिमेंट भी करके देखा तो वो इजीली हो गया बट अगर हम उसको प्रॉक्सी में कन्वर्ट करके करते हैं तो क्या होता है कि आ, सिस्टम की जो लाइफ है वो बढ़ती है जितना आप उसके ऊपर लोड डालोगे उसकी लाइफ घटेगी कहीं ना कहीं सो इट्स बेटर कि आप हर वीडियो को चाहे आपका मशीन की कैपेबिलिटी बहुत हाई हो अगर बहुत अर्जेंट आपको कुछ देना है फटाफट फड़, जैसे एक शूट होकर आया है कुछ दस मिनट का शूट है उसको एक मिनट में एडिट करके एक मिनट का उसको फाइनल आउटपुट आपको निकाल के देना है तो आप वो चीज़ें आप कर सकते हो जो आपको अर्जेंटली करके देनी है बट जिसमें आपके पास टाइम है वो इट्स बेटर कि आप आपके पास फुटेजेज़ आई हैं रात में आप सोते हो इट्स बेटर कि रात में आप उसको प्रॉक्सी में लगा के सो जाओ सुबह उठो तब तक प्रॉक्सी बनी हुई पड़ी होंगी आप कंप्यूटर को रेस्ट दो एक घंटे का जब ठंडा हो जाएगी मशीन अगेन स्टार्ट करो अगेन उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो प्रॉक्सी फाइल पे स्टार्ट करो काम करना सो so, वो कैसे करते हैं वो एक मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ so, यहाँ पे हम आ जाते हैं सबसे पहले अगेन विल गो टू और मल्टी कैम का जो फोल्डर इवेंट जो हमने बनाया था वहाँ हम जाते हैं यहाँ पर हम देखेंगे कैम टू एंड कैम थ्री इसके ऊपर हम आते हैं सो so, अगर हम यहाँ पे देखिए इंफॉर्मेशन पे जाएंगे इंस्पेक्टर पे जाएंगे तो 4K ये 4K फाइल है कैम 3 भी 4K फाइल है अब प्रॉक्सी में कन्वर्ट करने के लिए दो प्रोसेस हैं फर्स्ट प्रोसेस जब हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं तब हम कर सकते हैं दूसरा जब इंपोर्ट करने के बाद भी हम कर सकते हैं तो फाइल न्यू सॉरी फ़ाइल इम्पोर्ट मीडिया कैम टू हमारा प्रॉक्सी है तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए ये जो ऑप्शन है क्रिएट प्रॉक्सी मीडिया एंड क्रिएट ऑप्टिमाइज मीडिया ये दो ऑप्शन ट्रांसकोडिंग के अंदर आते हैं तो यहाँ से आपको क्रिएट प्रॉक्सी मीडिया पे टिक करना है ऑप्टीमाइज मीडिया हाई रेजोल्यूशन मीडिया होता है सपोज करिए आपके पास 8K की फाइल्स हैं आर थ्री फाइल्स हैं तो ये उसको फोर टू टू एप्पल प्रोरेस फोर टू टू में कन्वर्ट कर देगा बट हाई रेजोल्यूशन में बट प्रॉक्सी मीडिया उसका रेजोल्यूशन कम कर देगा इट्स फॉर एडिटिंग पर्पज़ ओनली तो यहाँ पे जैसे ही हम इंपोर्ट करते हैं इसको तो वो उसको प्रॉक्सी बनाना शुरू कर देगा अब फॉर एग्जांपल हमने ऑलरेडी इंपोर्ट किया हुआ है तो हम इसको प्रॉक्सी अगर बनाना चाहते हैं अब मेरा कैम टू जो है फोर के है मेको सिर्फ़ ई कैम टू को, e को प्रॉक्सी बनाना है तो मैं यहाँ पर पहले तो एक न्यू प्रोजेक्ट बनाता हूँ प्रॉक्सी एग्ज़ाम्पल एक बनाता हूं ताकि आपको पता लग सके किस तरीके से मैं कर रहा हूं यहां आके मैं क्यू प्रेस करता हूं तो ये मेरा पूरा शॉट यहाँ पे दोबारा आ चुका है नीचे अब मैं इसको राइट क्लिक करके एंड यहाँ से मैं ट्रांसकोड मीडिया का ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए दो ऑप्शन है मेरे पास फिर से वो आ गए ऑप्टिमाइज मीडिया या प्रॉक्सी मीडिया तो यहाँ से मैं प्रॉक्सी मीडिया को सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ से मैं ओके करता हूँ अब यहाँ पे आप देखिए ये जो हमारा गोला है ये हमारा जो है ये बैकग्राउंड टास्क विंडो है इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारी बैकग्राउंड टास्क विंडो हमें ये दिखेगी पूरी इसके ऊपर भी मैं प्रॉक्सी के बाद इसके ऊपर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या चीज़ है तो यहाँ पे वो ट्रांसकोड कर रहा है वो बताएगा हमें अभी सेवन परसेंट ट्रांसकोड हुई है तो जैसे ये ट्रांसकोडिंग चल रही है ट्रांसकोडिंग के बीच में भी अगर आप चाहो तो अपना एडिट आप करना स्टार्ट कर सकते हो अगर आपको कोई और काम करना है तो वो भी आप कर सकते हो यहाँ पे ट्रांसकोडिंग चलती रहेगी तो यहाँ पे अभी ट्रांसकोड होना शुरू हुआ है अभी 26 परसेंट हुआ है अब हमारी ये फ़ाइल जो है प्रॉक्सी में कन्वर्ट हो चुकी है तो हम किस तरीके से देखेंगे कि प्रॉक्सी में कन्वर्ट है सो यहाँ पर व्यू में हम जाएँगे और यहाँ पर आप देखेंगे प्रॉक्सी ऑप्शन है तो इसको मैं क्लिक करूँगा अब जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया ये प्रॉक्सी वाली फाइल आ गई मेरे पास सो so, ऑब्वियसली जब हम इसको थोड़ा बड़ा करके देखेंगे तो यहाँ पता लगेगा देखिए हल्का सा जब आप प्ले करेंगे रेजोल्यूशन थोड़ा सा गिरा हुआ है कैमरा लगाने पड़ते हैं तो बाक़ी आप यहाँ पे देखेंगे मिसिंग प्रॉक्सी वो इसलिए क्योंकि बाकी कैमराज की हमने प्रॉक्सी नहीं बनाए हैं इसलिए यहाँ पर मिसिंग है क्योंकि हम एक प्रॉक्सी मोड में आ चुके हैं तो जो जिसका प्रॉक्सी कन्वर्ट हुआ है वही हमें दिखाएगा तो ऑब्वियसली जब आप अब प्रोजेक्ट करोगे आप ऑब्वियसली सबके ही प्रॉक्सी बनाओगे एक आध के तो बनाएंगे नहीं तो इट्स बेटर टू मेक प्रॉक्सी फॉर एवरी तो आप सबकी प्रॉक्सी बनाइए टाइम लाइन रखिए प्रॉक्सी मोड में जाइए अब आप प्रॉक्सी मोड में जा चुके हो ईजिली आप एडिट कर सकते हो वीडियो लैग नहीं करेगा हैंग नहीं होगा और आप इजीली एडिट कर सकते हो एडिट करने के बाद आप कलर करेक्शन भी अप्लाई कीजिए उसके ऊपर करने के बाद जब आपका सब फाइनल हो जाएगा तो कलर करेक्शन को चेक करने के लिए आप एक हाई मोड पे चले जाइए यहाँ से प्रॉक्सी मीडिया हटा के ओरिजिनल मोड ये ओरिजिनल मोड पे चले जाइए तो फिर आपको एग्जैक्ट 4K फाइल दिखेगी फिर आप उसको 4K में एक्सपोर्ट कर सकते हैं अब सपोज़ कीजिए ये जो मैंने प्रॉक्सी एग्जांपल का जो बनाया है प्रोजेक्ट ये मैंने बना दिया 1920 नाइन 1080 मतलब कि मैंने फुल एच डी में इसको मैंने इसको फुल एच डी में बना दिया अब मुझे अगर उसको मॉडिफाई करना है तो यहाँ पे देखिए इंस्पेक्टर में मॉडिफाई का ऑप्शन है यहाँ पे जाके मैं इसको वापस से 4K में कन्वर्ट कर सकता हूँ 4K में करके ओके okay करूँगा सो so, अब प्रोजेक्ट की जो सेटिंग है वो 4K में हो चुकी है नाउ इज़ द 4K वीडियो अब आप इसको वापस से प्रॉक्सी में कन्वर्ट कीजिए तो अब ये प्रॉक्सी फाइल आ गई आप इसको आराम से एडिट कीजिए एडिट करने के बाद इसको जब एक्सपोर्ट करना होगा तो इसको ओरिजिनल कीजिए अब यहाँ पर फोर आ गया अब इसको एक्सपोर्ट कर दीजिए अब एक्सपोर्ट का भी हम समझते हैं लेकिन उससे पहले मैं आपको बैकग्राउंड टास्क समझाता हूँ प्रॉक्सी का आई होप आपने समझ लिया होगा कि किस तरीके से आपको प्रॉक्सी में कन्वर्ट करना है तो प्रॉक्सी में कन्वर्ट करना आपको बहुत हेल्प करेगा तो आप ये आदत डालिए अगर आपके पास हैवी फुटेज हैं तो आप उसको प्रॉक्सी में कन्वर्ट कीजिए आपका पीसी अगर झेल लेता है अच्छी बात है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वेडिंग्स uh, में आप ऑब्वियसली प्रॉक्सी कन्वर्ट शायद नहीं कर सकते कई कई लोग करते भी हैं अगर आप फ़ॉरेन में जाएंगे तो उनके यहाँ जो एडिटिंग होती है वेडिंग्स की वो लोग कन्वर्ट करते हैं तो आप अगर चाहो तो प्रॉक्सी में कन्वर्ट कर सकते हो आप प्रॉक्सी में तब कन्वर्ट करो जब आपकी आपको मशीन पर बैठ के एडिट जब नहीं करना ऑब्वियसली आपको मशीन को भी ठंडा रखना है और ए का ज़रूरत पड़ेगा आपको सो ए सी ऑन कीजिए मशीन को ठंडा रखने के लिए ताकि वो भी प्रोसेसर भी गर्म ना हो जितना गर्म होगा उतना वो भी अब उसकी भी लाइफ कम होगी सो इट्स बेटर कि आप इस प्रोसेस को फॉलो करें और अपनी लाइफ को ईजी कीजिए सो प्रॉक्सी का हमारा फंडा क्लियर हो चुका है आई होप तो अब बात करते हैं बैकग्राउंड टास्क की तो बैकग्राउंड टास्क में क्या होता है सपोज़ कीजिए बैकग्राउंड टास्क ऐसे टास्क हैं जो एफ सी पी बैक परफॉर्म करता है व्हेन यू वर्किंग वो लाइव परफॉर्म नहीं करता है जैसे हमें रेंडर करना है कोई फुटेज को जैसे हम प्रीमियर में हैं हमें फुटेज को रेंडर करना है हम उसको सेलेक्ट करेंगे और उसको रेंडर करेंगे तो हमें वेट करना पड़ेगा हमें बैठ के ऐसे वेट करना पड़ेगा कि रेंडर हो रहा है तो जब वो रेंडर हो जाएगा फिर उसके बाद हम एडिटिंग को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ पे क्या है बैकग्राउंड टास्क का जो ऑप्शन गिवन है इसमें आ, क्या होता है कि अगर आप कोई इफेक्ट या कोई भी प्रीसेट या कुछ भी लगाते हो अपने क्लिप के ऊपर तो आपको उसको रेंडर करने की ज़रूरत नहीं है आप अपना कंटिन्यू कीजिए एडिट और बैकग्राउंड में वो चीज़ रेंडर ऑटोमेटिकली होती रहेगी आपको लाइव प्रीव्यू भी मिली जाएगा ऑब्वियसली एफ कैन हैंडल लाइव रिव्यूज़ जितने बड़े से बड़े इफेक्ट हैं मैक्सिमम इफ़ेक्ट्स का अभी तक तो कोई ऐसा इफेक्ट दिखा नहीं जो बिना रेंडर किए प्ले ना कर सकता हो प्ले हो सकता है अगर आपकी मशीन अच्छी है पावरफुल है तो ये प्ले आराम से कर सकता है सो so, आप कोई भी कोई भी क्लिप पे डालिए इफेक्ट एंड इट रेंडर इन द बैकग्राउंड तो बैकग्राउंड रेंडर बैकग्राउंड टास्क वहाँ पे काम आते हैं फिर अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो मीडिया प्रॉक्सी कन्वर्ट कर रहे हो तो सारे बैकग्राउंड मीडिया में यहाँ पे आप देखेंगे ट्रांसकोडिंग एंड एनालिसिस यहाँ पे जैसे हम जैसे लास्ट टाइम हमने जैसे अभी हमने प्रॉक्सी में लगाया था तो यहाँ पे ट्रांसकोड एंड एनालिसिस में आ गया था तो इस तरीके से आपको पता लगता रहेगा प्रोसेस क्या हो रहा है कितने फुटेज़ रहती हैं ट्रांसकोडिंग के लिए कितनी और होनी है वो सब आपको पता लगता रहेगा शेयरिंग ऑप्शन आता है शेयरिंग अगर आप शेयर कर रहे हो शेयर का मतलब एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो यहाँ पर शेयर में आपको दिखाएगा एग्जैक्टली किस तरीके से कितना प्रोसेस बाकी है सो इसके बाद अगर जब हमारा प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है अब हम आते हैं ये वाले प्रोजेक्ट पे अब सपोज कीजिए ये मेरी टाइमलाइन लाइन वन मिनट फिफ्टीन वन मिनट ट्वेंटी फाइव सेकेंड्स की सॉरी वन मिनट ट्वेंटी थ्री सेकेंड की जो टाइमलाइन है ये मेरी रेडी है और मैं इसको एक्सपोर्ट कर सकता हूँ तो मैं इसको क्या करूँगा मैं इसको सेलेक्ट करूँगा अगर मैं डी सिलेक्ट भी करता हूँ तो भी पूरी प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट हो जाएगा लेकिन अगर पर्टिकुलर पोर्शन मुझे एक्सपोर्ट करना है तो मैं इन और आउट भी मार सकता हूँ तो इतना पोर्शन मेरा एक्सपोर्ट होगा तो आपकी टाइम लिंग अगर पूरी रेडी है और आप चाहते हो उसके बीच में से कोई पर्टिकुलर पोर्शन एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो वो भी हो सकता है सो सपोज़ कीजिए थर्टी सेकेंड से मैं चाहता हूँ इन इन यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं चाहता हूँ तो इन आउट मार दीजिए अगर आपको पूरा करना है तो पूरा कमांड ए प्रेस कर दीजिए नहीं तो नहीं भी सेलेक्ट करेंगे तो पूरा वो एक्सपोर्ट कर देगा सो so, यहाँ से ये यह जो ऑप्शन है यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं अब एक्सपोर्ट को समझते हैं यहाँ पे आ जाते हैं हम अपनी एक्सपोर्ट में मास्टर डिफॉल्ट तो मास्टर फाइल में हमें पहले इन्फॉर्मेशन मिलेगी डिस्क्रिप्शन क्रिएटर कौन है टैग्स क्या क्या है उसके अंदर सेटिंग्स में जाएंगे सबसे पहले वीडियो ऑन ऑडियो पे हम सिलेक्शन करते हैं वीडियो एंड ऑडियो में हम कौन सा कोडेक यूज़ करेंगे जैसे एप्पल प्रोरेस फोर टू टू या एच क्यू या डबल फोर डबल फ़ोर या एक्स क्यू या हमें प्रॉक्सी में उसको एक्सपोर्ट चाहिए या एच पॉइंट टू सिक्स फोर में हमें एम पी फोर बनाना है क्या चाहिए वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं सबोज कीजिए फ़ोर टू टू एच क्यू मुझे चाहिए ऑडियो और वीडियो दोनों अभी ऑडियो कुछ है नहीं तो मैं यहाँ से सिर्फ वीडियो भी सिलेक्ट कर सकता हूँ या मुझे सिर्फ़ ऑडियो चाहिए तो मैं सिर्फ ऑडियो को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ बट यहाँ पे मेरे को सिर्फ वीडियो चाहिए यहाँ पे आपको वो एस्टिमेटेड साइज़ बताएगा वन पॉइंट तो वन मिनट ट्वेंटी थ्री सेकेंड्स का अगर एप्पल प्रोरेस फो टू टू एच क्यू एप्पल प्रोरेस फोर टू टू फाइल बनाते हो तो वन पॉइंट थ्री सिक्स जी बी जाता है एच क्यू बनाते हो तो टू जी बी तक उसका फाइल साइज़ हो सकता है डबल फोर डबल फोर बनाते हैं टू पॉइंट नाइन सिक्स इतना ज़्यादा क्यों क्योंकि जैसे जैसे मैं ये बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे उसकी क्वालिटी इंटैक्ट रहेगी और जनरेशन लॉस नहीं होगा उसके अंदर डबल फोर डबल फोर में जनरेशन लॉस नहीं होता है आ, एक कहीं मैंने एक पढ़ा था किसी ने सवाल पूछा था कि आ, कौन सा ऐसा फॉर्मेट है जिसमें हम उसको कन्वर्ट करें तो उसकी क्वालिटी एज इट इज़ जो रॉ में जो रॉ में उसकी क्वालिटी है इंटैक्ट रहे बिल्कुल भी जनरेशन लॉस ना हो पॉइंट वन परसेंट का भी जनरेशन लॉस ना हो तो काफ़ी लोगों ने लिखा था ऐसा पॉसिबल नहीं है कोडेक्स यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली जनरेशन लॉस तो होगा ही तो काइयों ने लिखा था कि फ़ोटू टू एच क्यू में कीजिए तो जनरेशन लॉस नहीं होगा तो ये गलत है फोटू टू एच क्यू में जनरेशन लॉस होता है बट उस लेवल पे नहीं होता है जिस लेवल पे बाकी एम पी फोर या किसी और छोटे उसमें होता है कोडेक में तो बट फोर फोर डबल फोर डबल फोर क्वालिटी को मेनटेन रखता है बट जनरेशन लॉस होता है अब आ जाते हैं बात अगर आपको सेम क्वालिटी में चीज़ रखनी है विदाउट जनरेशन लॉस विदाउट तो किस तरीके से आप कर सकते हो तो उसका आंसर है डी पी एक्स डी पी एक्स में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो जनरेशन लॉस बिल्कुल नहीं होगा उस उस कन्वर्जेशन uh, में किसी ने जे टू के लिखा था कि जे टू के में कन्वर्ट करो जे टू के बेसिकली थिएटरिकल प्रिव्यूज़ के लिए यूज़ होता है अगर थिएटर में जब फिल्म चलती है तो वो जे टू के में कन्वर्ट होके जाती है वहाँ पे जे टू के से फिर डी सी पी क्रिएट किया जाता है डी सी पी से हम उसको फिर थिएटर पर प्रिव्यू कर सकते हैं तो बट जे टू के डी पी एक्स से बनता है तो ऑब्वियसली कंप्रेस हो गया जे टू के एक जे टू के जो फॉर्मेट है वो जेपे जे पी ई जी से बनता है इसलिए उसमें जनरेशन लॉस होता है बट डी पी एक्स क्वालिटी को इंटैक्ट रखता है उसमें जनरेशन लॉस बिल्कुल नहीं होता है तो अगर आप जनरेशन लॉस नहीं करना चाहते तो डी पी एक्स सो हम यहाँ पे फोर टू टू में एक एक्सपोर्ट करके देख लेते हैं सो यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ अब ये देखिए यहाँ पे आएंगे तो ये देखिए शेयरिंग में बता रहा है एक्सपोर्ट कर रहा है आपको बता रहा है कि कितना टाइम लगेगा ये करते करते भी आप एडिट कर सकते हैं अगर ये बैकग्राउंड टास्क को बंद करके आप चाहो तो आप एडिट भी कर सकते हैं या दूसरा भी एक्सपोर्ट पर लगा सकते हैं जब ये हो जाएगा तो सेकंड चीज़ एक्सपोर्ट हो जाएगी तो ऐसे बैक टू बैक अगर पास चार टाइम हैं और आप चाहते हो कि एक एक टाइम को आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप एक टाइम को एक्सपोर्ट कीजिए जब तक वो हो रही है जैसे ही वो स्टार्ट होगी बैकग्राउंड में आपको दिख जाएगा सेकेंड टाइम को एक्सपोर्ट लगा दीजिए वो लाइन में आ जाएगी उसके नीचे फिर उसके बाद थर्ड पे लगाइए फिर फिर उसके बाद थर्ड को लगा दीजिए फोर्थ को लगा दीजिए बैक टू बैक लगा के रख दीजिए तो वो एक एक लाइन से रेंडर होती जाएगी अपने आप और जब तक ये चारों हो रही है तब तक और भी आप कुछ एडिट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं तो मल्टी बहुत कुछ है फाइनल कट फानकट्रॉक्स में ये देखिए जैसे ही एक्सपोर्ट हुआ यहाँ मुझे एक क्विक टाइम बना के दे दिया इसने ऐसे ही अभी कुछ एडिट नहीं किया था जैसे आपको एग्ज़ाम्पल दिखाने के लिए तो ये पार्ट टू वो देखिए 1.23 पॉइंट की है तो यहाँ मैं प्ले करके भी देख सकता हूँ इसको राइट right, मैं इसका भी फिलहाल डिलीट करता हूँ अभी आ, एक्सपोर्ट आपको पता लग गया अब अगर आप एप्पल प्रोडक्ट्स पे एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं आप एम फोर में करना चाहते हैं तो कैसे होगा तो यहाँ पे आके मास्टर डिफॉल्ट जाएंगे या सेटिंग्स में जाएंगे यहाँ कंप्यूटर पे जाएंगे और यहाँ पे हम बेटर क्वालिटी पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए 212 सौ बता रहा है एस्टिमेटेड साइज़ और यहाँ पे वो दिखा रहा है कि वो क्या एक्सपोर्ट करेगा एम फोर में एक्सपोर्ट करेगा तो यहाँ से हम नेक्स्ट करके और वहीं पे ही हम एक्सपोर्ट करते हैं ये देखिए बैकग्राउंड टास्क में हम आएंगे तो शेयरिंग में हो गया एम फोर थोड़ा सा एम से ज़्यादा टाइम लेता है जब तक ये हो रहा है हम बाकी चीज़ भी कर सकते हैं देखिए मैं यहाँ पर आऊँगा यहाँ पर क्लिक करूँगा ये देखिए मैंने यहाँ से कॉपी किया जब तक ऊपर हो रहा है तब तक, तक मैं कॉपी कर रहा हूँ पेस्ट कर रहा हूँ ये देखिए अब तब तो ये साइड बाई साइड चल भी रहा है और अगर मैं चाहूँ तो जब तक ये हो रहा है मैं इसको भी एक्सपोर्ट पे लगा सकता हूँ एम पी फोर या जो भी एम ओ वी जो भी मुझे लगाना हो मैं कर सकता हूँ जब ये मैं नेक्स्ट करूँगा तो ऑब्वियसली उसके बाद नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे एम फोर हमारा बन चुका है यहाँ पे मैं शो पे क्लिक करूँगा तो दिखाएगा कहाँ पे एम बी फोर पर कन्वर्ट हुआ है यहाँ पे आप देखिए एम फोर बन चुका है सेम वही वीडियो है बट यहाँ पे 210 सौ का बना है क्योंकि इसमें जनरेशन लॉस हो चुका है जी मैं इसको डिलीट करूँगा अगेन सो so, बैकग्राउंड के बारे में आपको पता लग गया होगा एक्सपोर्ट के बारे में पता लग गया होगा आपको एक्सपोर्ट कैसे करते हैं सो फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स फ्रॉम स्टार्टिंग द सॉफ्टवेयर टू एक्सपोर्टिंग मैंने आपको एक प्रोसेस पूरा डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में आपको मैंने समझाने की कोशिश की है अभी और कुछ छोटी छोटी चीज़ें बची हैं हमारी जो कि मैं नेक्स्ट पार्ट में आपसे डिटेल में थोड़ा डिस्कस करूँगा कलर करेक्शन के ऊपर थोड़ा डिटेलिंग में जाएंगे हम कलर करेक्ट कैसे कर सकते हैं सिनेमेटिक कलर कैसे ला सकते हैं वो सब चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा एंड नेक्स्ट पार्ट में हम अपने बेसिक्स को कम्प्लीट कर देंगे सो वी विल एंड द बेसिक्स इन आर नेक्स्ट पार्ट सो गाइज आई होप आप लोग इन्जॉय भी कर रहे हैं ये सब ट्यूटोरियल्स को सीख भी रहे हैं उसको अप्लाई भी कर रहे हैं सीखो और उसको अप्लाई करो प्रैक्टिस करो जितने प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर है और मुझे कमेंट करते रहो मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको क्या क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही हैं और एक हम एक लाइव इवेंट मैं रखना चाहूँगा कि अब ये जो कार का सीक्वेंस है अब इसको प्रॉपरली हम म्यूज़िक के साथ एक आ, अच्छा एडिट कैसे कर सकते हैं नॉर्मल एडिट नहीं एक अच्छा म्यूज़िक के साथ थोड़ा सिनेमैटिक एडिट कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर मैं एक लाइव सेशन रखना चाहूँगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइए इफ इफ़ यू गाइस आर इंटरेस्टेड अगर आप इंटरेस्टेड है तो मैं लाइव सेशन पे आता हूँ अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं उसकी एक वीडियो डाल के वीडियो बना के डाल देता हूँ आप जब आप फ्री होंगे आप देख सकते हैं लेकिन अगर आप फ्री हैं आप नेक्स्ट संडे को फ्री हैं तो आप मुझे कमेंट करके फटाफट बताइए और मैं फिर चाहूँगा आप सब लोग आए देखें और लाइव मुझसे अगर क्वेश्चन पूछना चाहे लाइव भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं सो आई एम ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो एच एस एल वी लॉक के नाम से वहाँ पे मुझे फॉलो कीजिए और नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर द बेसिक्स नेक्स्ट मैं आपको दाव रिजॉल्व के ट्यूटोरियल्स दूंगा थैंक यू सो मच बाय बाय